हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं लाई हूँ नई रेसिपी होटल जैसी। तो आज हम बनाएंगे पकौड़े। तो ये 6 प्याज हैं और ये 7 हरी मिर्च, ये आधा किलो बेसन और ये तेल फारचून, बहुत शुद्ध है प्योर सरसों का तेल। और इस तेल में भजिया पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, और आप भी ट्राई कीजिए। तो हम अब प्याज को काट, अब हम इस प्याज को काटने से पहले मैं यही बोलूँगी कि आप लोग इसी तेल को फॉलो कीजिए, बहुत शुद्ध है। तो आप भी लाके एक बार ट्राई कीजिए, ब्रांडेड कंपनी का फारचून सरसों का तेल। तो अब हम प्याज को काटेंगे। ऐसे बारीक बारीक हम बारीक बारीक काटेंगे, और ये जो पीछे का हिस्सा है इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह हम सारी प्याज को काट लेंगे। तो मैंने ये सारे प्याज के जो ऊपर वाले पार्ट थे निकाल दिया है, और हमने सारे प्याज को कट कर लिया। ये हरी मिर्ची, और हम लेंगे एक, तो हम लेंगे एक टोप, इसमें डालेंगे प्याज। अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और इसे मिलाएंगे अपने हाथों से, जो ये है अलग हो जाएगा, जो हमारी कटी हुई प्याज है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे जीरा एक चम्मच और आधा चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, तो हम इसे भी मिला लेंगे। आप नमक और मिर्ची अपने हिसाब से डालिए। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, इसे मैंने पहले से छान के रखा था। हम इसमें थोड़ा बेसन और डालेंगे, हम इसे बराबर मिला लेंगे। उसके बाद डालें, पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा डालेंगे पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना है। फिर हमने बराबर से मिला लिया है। अब हम इसे चलेंगे गैस की ओर। इससे पहले हम बनाएंगे चटनी। इसकी चटनी टमाटर, धनिया, लहसुन, थोड़ा अदरक, दो मिर्च। तो अब हम इसको पीसेंगे मिक्सर में डाल के, धो धा के इसे हम पीसेंगे। 500 में हमारा इतना बेसन बच गया है, मतलब आधे से कम। तो हम इस तेल को डालेंगे, एक कच्ची घानी का तेल है, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमारा तेल हो गया है, अब हम इसे डालेंगे। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बनाएंगे। प्यार से इस तरह
पकौड़े बन के हो गए मेरे जी, तो अब हम इसे निकालेंगे पकौड़े पूरे और देखने में स्वादिष्ट डालेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े बना लेंगे, हमारे पकौड़े इसी तरह सारे पकौड़े बना लेंगे। इसी तरह हमने सारे पकौड़े बना के निकाल लिए। इसी तरह हमने बना के तैयार कर लिया। तो हमारे पकौड़े बनके तैयार हो गए और हमने बना लिया है चटनी और पकौड़े। तो आप भी ट्राई कीजिए हलवाई स्टाइल पकौड़े। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप महान देश में रहते हैं, तो आप भी महानता दिखाइए। धन्यवाद।